ये देखो, मैं ये गाड़ी ना जैसे है एज इट इज ऐसी सेल कर रहा हूँ। इसमें जितनी सवारियाँ हैं वो भी ऐसी जाएंगी। जो मतलब मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना, उनको सब पता है ये गाड़ी जिस दिन से खरीदी है और जिस दिन तक है मेरे पास, क्या क्या मैंने इसमें करा है क्या नहीं करा, वो सारी चीज़ें ना ओपन है पूरी यूट्यूब पे ही। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, और होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। अभी नहीं हुए तो पापा उनको पैसे देंगे बढ़िया होने के लिए। तो इसकी बातों को ना इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि मैं किसी को पैसे नहीं देने वाला बढ़िया होने के लिए, भाई खुद से रहना पड़ेगा। इसको भी नहीं मिलते 20 लाख पर पर्सन जो बढ़िया नहीं है, कमेंट करो जो जो बढ़िया नहीं है उसको 20 लाख बनेंगे बैंक अकाउंट में। हाँ, तो सबको गाड़िया खरीदवा देगा फिर। है ट्रैफिक दिख रहा है काफी, ये वीकेंड भी काफी अच्छा रहा है इधर। तो आज चल रहा है लाइट का काम, सुबह से लाइट गई हुई है और ये पूरी लाइंस वगैरह ना क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। ये पूरा वही उसी में लगे हुए हैं, 2 बजे तक आएगी कहीं लाइट आज। अभी पूछा मैंने उनसे कि भाई साहब कब तक भेजोगे, तो कह रहे 2 बजे, क्योंकि हमारा तो काम लाइट पे ही रहता है ज्यादातर, एडिटिंग वगैरह सब कुछ। लाइट नहीं तो हमारा काम। हाँ, और वाईफाई नहीं चलता, सबसे बड़ी चीज वही दिक्कत हो जाती है। बिना वाईफाई के तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो हम आ गए अपने सिटी में, और अब अक्षु बांटेगा सबको पैसे, जैसे ये बोल रहा था ना कि सबको रुपए बांटेंगे, तो अब अक्षु रुपए बांटने वाला है। कितने कितने बांटेगा भाई? 20 लाख। अपनी डिमांड लिख के कमेंट में भेज दो अक्षु को, वो चेक काटता रहेगा। बड़े सेठ हैं अक्षु सर। हाँ, और सुनसान पड़ा है ना आज बिल्कुल। संडे ही आना था। 20 लाख का चेक तो दे दूंगा, वो बाउंस हो या फिर ना बाउंस हो उसकी गारंटी मेरी नहीं। अब ये देख लो भाई, तुझे ही मारेंगे आके सब बंदा। सब लोग मारेंगे तुझे। पता है जब 3 से ज्यादा चेक बाउंस हो जाते हैं तो क्या होता है? हाँ। पुलिस पकड़ के लेके जाती है। सच्ची? हाँ, सच्ची। जला कुछ नहीं होता, 100 भी चेक बाउंस कर दो। तो ये है, आज खाली हो गया। कल यहाँ पे मार्केट लगा हुआ था काफी बढ़िया, जो यहाँ के मतलब गणेश चतुर्थी के लिए मार्केट लगता है, तो सब्जियाँ वगैरह सब यहाँ की लोकल वो चीज़ें लगी हुई थी। अभी भी है कुछ चीज़ें पर आज खाली है, कल तो पूरा भरा हुआ था, बहुत भीड़ थी कल यहाँ पे। ये मतलब उधर से स्टार्ट हो जाता है बस स्टैंड के तरफ, यहीं पे लगता है शायद, हर साल लगता होगा, और उधर तक लगता है पूरा। ये पार्किंग एरिया है, उसको पूरे में ये इस तरह स्टॉल लगते हैं। शायद कल ज़्यादा रहे, आज संडे है ना, उसकी वजह से थोड़ा कम है। बाकी ये इधर का है हमारे सिटी का बस स्टैंड। तो ये जो है ये अगले 15 दिन चलने वाला है, अभी हमने पूछा यहाँ पे, तो अगले 15 दिन तक ये सारा यहाँ पे ऐसी सेल चलेगी। तो एक ये लोकेशन है जो मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल शांति वाली, और यूजुअली मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी गाड़ी के रिव्यू करने। जो भी गाड़ी का रिव्यू करता हूँ मैं इधर ही करता हूँ। ये है अगोंडा का टेम्पल है, अगोंदेश्वर देवस्थान, बहुत ही पीसफुल जगह है ये, थोड़ा रोड से हट के है। तो ये देखो, मैं ये गाड़ी ना जैसे है एज इट इज़ ऐसी सेल कर रहा हूँ। इसमें जितनी सवारियाँ हैं वो भी ऐसी जाएंगी, जो जो बैठे हैं ना सब ऐसी जाएंगे। ये गाड़ी कोई ख़रीदने वाला है तो मुझे मुझे कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे ना मैसेज कर देना, सब ऐसी जाएगी बिल्कुल जैसे है ये, और ये बस मुझे छोड़ के भी सेल कर सकते हो। हाँ, तो उसके भी पैसे हैं क्या? हमारी किडनी सवारी है ना, तो उनकी किडनी भी सेल कर सकते हो। हाँ, उसके भी पैसे साथ में जोड़ दिए मैंने इसमें। तो किसी को अगर पसंद आ रही है तो बता देना भाई ये गाड़ी। तो अपनी गाड़ी चल चुकी है 74,970, आप 75 बोल सकते हो इसको, कोई कमी नहीं है। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ, मैं ये मजाक नहीं कर रहा था, गाड़ी सेल पर डाल चुके हैं। गाड़ी दिखा देता हूँ एक बार, देखो मैंने धुली नहीं है, जैसी है ऐसी ही दिखाई है, और ऐसी फ़ोटो डाले हैं इसके। मैं OLX पे इस गाड़ी को डाल चुका हूँ, और जहाँ मतलब जाओ मिट्टी लगी थी वैसी ही है बिल्कुल। मैंने बहुत कोरी चमका के मतलब उस पर्पज़ में डाली नहीं, जो जेन्युइन बंदा होगा भाई वो देख लो आके, जहाँ पे जो डेंट है वो डेंट है, लिखा है और दिख भी रहा है। बाकी अगर चारों तरफ से देखो, बाहर से धुलने के बाद तो देखो चमक ही जाएगी, ओबियसली धुलने के बाद तो गाड़ी कोई सी भी चमका लो आप, पॉलिश वुलिस मार के, पर मेन जैसी है वैसी दिखनी चाहिए। तो
इसमें जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहे हैं, फॉग लैंप्स भी हैं, सारा कुछ है। गाड़ी में कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की। दूसरी लेनी है तो इसलिए मैं बस सेल कर रहा हूँ, बाकी और कोई रीज़न नहीं है इसमें। और इंटीरियर अगर देखें तो इंटीरियर में आपको ये 7 इंच टच स्क्रीन वगैरह सारा कुछ मिल रहा है इसमें। और रियर एसी नहीं मिलेगा, आर्म रेस्ट मैंने लगाया है तो वो भी एसी लगा के दे रहा हूँ। हाँ, ये डेस्क है मेरा, ये नहीं जाएगा, बस इसको मैं निकाल के रखूँगा। और सोचो डैश कैम की कीमत हमसे ज्यादा है। हाँ, डैश कैम मैं नहीं दूंगा क्योंकि वो मुझे गिफ्टेड है, तो इसलिए मैं उस... तो फ्री के मिले हुए हैं दो। हाँ, तुम फ्री के हो। बाकी स्टेयरिंग में आपके सारे सिस्टम मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल वगैरह इसमें आपको नहीं मिलेगा, उस टाइम आते भी नहीं थे। ऑटो एसी मिलेगा, ये सारा कुछ यहाँ पे काफी बड़ा स्पेस मिल जाता है। प्लस मेरा जो नया आर्म रेस्ट है उसके अंदर भी काफी स्पेस आपको मिलेगा। रियर सीट पर आराम से इसके जैसे 2-3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, इस गधे जैसे। हाँ, लेट भी सकते हैं। हाँ, लेट भी सकते हैं। तो जी, ये अपनी है 2019 मॉडल। तो अब बताऊँ, गाड़ी तो मैंने दिखा दी मोटा मोटी, वैसे मैंने ये OLX पे डाल दी है। और अभी एक्चुअल में बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या मतलब मिल रहा है आपको। तो ये है 2019 का, अक्टूबर में मैंने ली थी, तो अभी 3 साल हुए नहीं है। 3 साल होने में भी अभी लगभग 2 महीने हैं, 1.5 महीना है। और उसके बाद में जो इसके अंदर आपको मिलेगा, एक तो जीरो डेप्थ इंश्योरेंस मिलेगा आपको, अक्टूबर तक है जो वैलिड। और बैटरी नहीं है। हाँ, बैटरी नहीं गिरवाई है मैंने। और बैटरी चारों टायर नए गिरवाए हैं, चारों टायर। जो मतलब मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना, उनको सब पता है ये गाड़ी जिस दिन से खरीदी है और जिस दिन तक है मेरे पास, क्या क्या मैंने इसमें कराया क्या नहीं करा, वो सारी चीज़ें ना ओपन है पूरी YouTube पे ही। तो आपको कार ना हम लोग ऐसा मतलब बिल्कुल फिट रखते हैं, इतना सा भी कुछ आता है तो बस हम वो करा के छुट्टी करते हैं, क्योंकि हम लोग वो मतलब खराब कार चलाने की आदत नहीं है। खराब कार क्या, डॉक्यूमेंट से लेके कार के फिटनेस तक मुझे सारा कुछ कंप्लीट रखना पड़ता है। रीजन है लंबे ट्रैवल। तो लंबे ट्रैवल में आप खराब कार तो लेके जा ही नहीं सकते, चला ही नहीं सकते कहीं भी लेके जाके उसको, तो वो दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं कार को अपनी हमेशा टिप टॉप रखता हूँ बिल्कुल। इतना मैं मतलब मोनिका को कभी ध्यान नहीं देता हूँ जितना कार पे ध्यान देता हूँ। तो आप समझ जाओ अब मैं कार को कैसे रखता हूँ अपनी। खाना नहीं मिलेगा जिनको। चलो, खाना मिले ना मिले भाई, देखो। तो आज फाइनली मैंने सोचा कि मन बना लिया, और मैं सोचा कि चलो ब्लॉग में भी बताते हैं है क्या मेरे इसमें क्या क्या मिल रहा है। इसमें स्टेयरिंग भी टिल्टेबल है, तो आप अप एंड डाउन अपने हिसाब से कर सकते हो। प्लस जो सीट है इसकी, ये टॉप वेरिएंट है, तो इसमें सीट भी ना आपको एडजस्टेबल मिलती है। ये इसकी हाइट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ये तो मैं थोड़ा नीचे ही रखता हूँ, इसलिए मुझे ना नीचे रख के ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। तो ये मतलब जो चीज़ है सारी ऐसी जो भी है मतलब वही है। मॉडिफिकेशन कुछ नहीं किया मैंने इस गाड़ी में, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है इस गाड़ी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ये आर्म रेस्ट लगवाए, आर्म रेस्ट और एक ही मैट डलवाए थे बस। हाँ। बाकी जो जो मिला था सब वो वैसे ही मिला है। और एक एक बिल मतलब है, एक सर्विस मैंने बाहर कराई थी बस, वो भी मैंने ट्राई करके देखा था कि बाहर करा के कैसी पड़ती है, कितना खर्चा आता है, तो मुझे ज़्यादा अंतर नहीं लगा। उसके बाद मैं शोरूम पर ही गया, तो सारी सर्विस शोरूम पर हुई है एक को छोड़ के बस, और वो भी ट्रायल के लिए कराई मैंने, वैसे नहीं कराई कि भाई मुझे बाहर करानी करानी है, वो ट्रायल के लिए मैंने देखा था बस। तो कोई भी भाई इंटरेस्टेड है तो इस पे मैं जो अपना OLX का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप चेक कर सकते हो क्या प्राइस वगैरह है, सारा कुछ वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और जो भी इंटरेस्टेड है जाके आप चेक कर सकते हो, उसके बाद आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो OLX के थ्रू ही। तो चलो, अभी और भी कई सारी साइट है जहाँ पर मुझे डालनी है, एंड होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।